हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैंने घर में देखा कि आलू रखे हुए हैं, बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं, तो सोचा चलिए इसके लिए फटाफट से मैं इसकी चिप्स बना देती हूँ। तो मैंने इस तरह से आलू लिए, जो भी मिल गए मुझे, छोटा बड़ा मैंने इस तरह से कुछ नहीं देखा। इस तरह से भी उगे हुए थे वो भी हटा दिए मैंने, और उनको छीला और छील करके साफ़ पानी में रखती चली गई। उन्हें साफ पानी में इकट्ठा हो गए जब वो सभी, तो फिर उन्हें एक एक वन बाय वन करके मैंने इसमें जो ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर उन्हें कस लिया। ये देखिएगा, आप देख पाएंगे कितने अच्छे लच्छे बने हैं इसके। देखिए कैसे चिप्स बने, पतला और अच्छा। तो अगर आप चाहें तो आप भी बना सकती हैं। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना सोडा ना पानी में नमक, अभी कुछ नहीं डाला है। और इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से लच्छे तैयार हो गए, तो चिप्स तैयार हो गए। और इन्हें पानी में ही डालिएगा, पानी भी ठंडा ही लीजिएगा, जो भी जैसा भी है नॉर्मल पानी हम लेते हैं। और पीछे यदि जो कसा नहीं जाता है तो उसको आप चक्कू से भी काट सकती हैं। इधर मैंने पानी उबलना रख दिया, और देखिए पानी उतना लूँगी जिसमें ये सब डिप हो जाए, और इसको जो है बॉयल ले दे देती हूँ एक, ताकि हाफ कुक हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे नमक, और अब छानते हुए इन्हें इस पानी में डाल दूंगी। पानी उबल रहा हो तभी उसमें आप डालिएगा। गैस को फुल रखेंगे फ्रेंड्स, और आप इनको कभी भी बना सकती हैं, थोड़े ज़्यादा जब चाहें। जिस दिन धूप हो तो उस दिन बना लीजिएगा। आज मैंने देखा कि यहाँ सिएटल में धूप कम ही होती है, आज दिखाई दे रही है मुझे, तो मैंने थोड़े से बना करके आज बच्चों को खिला देते हैं। अपने बच्चे तो बचपन में खाए ही हैं, मगर जो छोटे छोटे यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है उनको भी दिखा दें और उनको खिला दें, ऐसे यही मेरे मन में भावना आई। जैसे ही बच्चों का विचार मन में आता है तो अंदर से, आखिर मनुष्य ही तो हैं, मोह माया छूटती भी नहीं है। ये देखिए अब इसको बॉयल होने देते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉयल अब आने लगा है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाए। और अभी हमें इसमें पूरा बॉयल नहीं आया है, डालने के बाद बॉयल नहीं आया है, पहले तो आ ही रहा था। ये फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, और अगर हम देखें तो ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब ये हमें इसको निकाल लेना चाहिए, और अब मैं इसको छान लूँगी। और छानने के लिए मैंने इस तरह का एक बर्तन ले लिया, जो भी आपके पास हो आप ले लीजिएगा, और मैं यहीं इसी जो हमारा सिंक है इसके अंदर ही इसको रखूँगी, ताकि जो गर्म पानी आए वो भी निकल जाए, यही निकल जाए। और देखिए फ्रेंड्स, बड़ी सावधानी से कीजिएगा। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसमें से सिंक निकाल देंगे। सिंक में गर्म पानी चला दीजिए, ठंडा पानी चला दीजिएगा सॉरी, ताकि जो गर्मी हो तो वो पाइप को ख़राब ना करें। ये देखिए इस तरह से हमारे हो गए हैं। अब हम इन्हें धूप में ले जाएंगे, और किसी कॉटन के कपड़े पर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कॉटन के कपड़े पर हम इसको सुखाते हैं तो कपड़े में चिपक जाते हैं। तो ऐसे में मैं कोई प्लास्टिक ढूंढ कर के मैंने रखी है, उसी को ले लेते हैं। ये इस तरह से पॉलीथीन थी, उस पॉलीथीन को मैंने कट कर दिया, स्क्वायर पीस में ले लिया। जैसा भी हो आप उसको, हमें तो केवल सुखाना है। ये यहाँ धूप में फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह से पत्थर लगा दिए चारों तरफ, ताकि उड़े नहीं, क्योंकि हवा यहाँ है। और इस पर अब हम एक एक करके इनको अलग कर लेंगे और फैलाते जाएंगे। धीरे से कीजिएगा, क्योंकि हल्के बॉयल हो चुके हैं तो टूट भी सकते हैं। ये इस तरह से अब इनको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग ऐसे कर दीजिएगा। ये फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ सुखा दिया और एक एक अलग अलग करके सुखाया है। और मेरे आलू छोटे ही थे, बड़े नहीं थे। वैसे साधारणतः हम इंडिया में जो बनाते हैं वो बड़े बड़े आलू लेते हैं और फ्रेश लेते हैं, मगर ना मेरे पास बड़े थे और ना फ्रेश थे, यानी हो गए होंगे 15-20 दिन पहले लाए हुए, तो उनसे बनाया। और फिर भी देखिए कितना अच्छा बना है। और अब ये सूख जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी, फिर उसको सूखने के बाद फ्राई कर लेते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि ये कैसे बनाए जाएँ या क्या हो। आप इन्हें व्रत में खा सकते हैं,
वैसे भी खा सकते हैं, जैसे भी चाहें इसको खाइए और देखिएगा कि कितना अच्छा बना है। अब सूखने के बाद दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने उससे निकाल लिए और दो तीन बार मैंने जो पॉलीथीन थी उससे उल्टे पलटे, यानी उसको मैं उलटती पलटती रही, तो ये तो बिल्कुल देखिए सूखने जैसे हो गए हैं, बिल्कुल सूख ही गए हैं। बस अब केवल इसमें हल्की सी गर्माहट और लगा लें जब तक सूरज है, और जो हल्के गीले से रह गए वो मैंने इस ट्रे में डाल दिए, यानी अभी ये गीले हैं थोड़े, तो जिनमें धूप नहीं लग पाई ढंग से उनको अलग कर लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इन्हें सुखा लिया है और सूखने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप देखिए इतना इतने अच्छे लगते हैं, डेलिशियस लगते हैं और कोई मेहनत नहीं लगती, तो ऐसे में हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बनाइए, खाइए, खिलाइए और फ्राई करके भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छे फूलेंगे फ्रेंड्स, ये कितना पतला है देखिए आप, एक एक देख लीजिए इतना पतला है। तो इस तरह से चिप्स हम बना सकते हैं, चाहे छोटा आलू हो बड़ा आलू हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस ये है कि छोटे बनेंगे चिप्स या बड़े बनेंगे।